हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बता रही हूं ऑयलिंग का। दोस्तों, किस तरीके से आप अपने बालों को ऑयल करें जिससे आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, आपके बाल जो है बहुत ही सुंदर खूबसूरत होंगे, बेहद मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीका है ऑयलिंग करने का, तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। दोस्तों, नॉर्मल ऑयल जो होता है अक्सर आप जो लगाते हैं वो होता है हमारा कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल अक्सर सर्दियों के मौसम में इस तरीके से जम जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको ऑयलिंग करना नहीं छोड़ते हैं। नारियल तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है दोस्तों, जो हमारे बालों को ग्रोथ कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो सिंपल नारियल का तेल भी जो है हर कोई रिकमेंड करता है बालों को डीप ऑयलिंग करने के लिए, जिससे आपके बालों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ऑयलिंग किस तरीके से करना है आप इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको जो है इस तरीके का सर्दियों के मौसम में जमा हुआ जो है नारियल का तेल लेना है। एक्चुअली जो जमा हुआ तेल होता है बहुत ही कहा जाता है ओरिजिनल और प्योर होता है दोस्तों, उसमें किस तरह का कोई मिलावट नहीं होता है, इसलिए वो जमता है बिल्कुल ओरिजिनल वाला जो तेल होता है। इस तरह के ब्लू वाले बॉटल में आपको पता होगा ढक्कन जो आगे ब्लू वाला डब्बा होता है वो कोकोनट ऑयल हर घर में होता है। तो इस तरीके से आपको आपके बालों की लंबाई के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आपको तेल लेना है, एक चम्मच दो चम्मच, ठीक है। और दोस्तों, उस तेल को दोस्तों आपको किस तरीके से लगाना है, सिंपली इस तरीके से लगाओगे तो क्या है, बोला जाता है कि तेल जमा का जमा रह जाएगा आपके बालों में और फिर अच्छे से लग भी नहीं पाएगा। तो उसको और भी अच्छा तरीका बनाने के लिए, जिससे आपके बालों की और भी बढ़िया ग्रोथ हो, उसके लिए आपको डालना है इसमें कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी का तेल दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है इसको इस्तेमाल करने से। डायरेक्ट आप अरंडी का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना बहुत ही गाढ़ी होती है, और अगर आप इसको डायरेक्ट अपने बालों पर अप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, बाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा उलझ जाएंगे और फिर अच्छे नहीं होंगे वो। इसलिए इसको आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं, किसी भी ऑयल में जो भी आप अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं उस वाले तेल में भी कैस्टर ऑयल मिला करके आप अपने बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है एक जो चौथाई चम्मच अरंडी का तेल लिया है दोस्तों। अरंडी का तेल दोस्तों कहा जाता है जहाँ पे बाल नहीं भी होता है ना, वहाँ पे भी अरंडी का तेल अगर आप कंटिन्यू लगाते हो ना तो अरंडी का तेल वहाँ पे बाल उगा देता है। बहुत ही फायदेमंद तेल होता है अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। आपको इजीली से किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं मिलती है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैंने लिया विटामिन ई की कैप्सूल, जिसको ईवियन 400 करके कहा जाता है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। विटामिन ई की कैप्सूल दोस्तों हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है। विटामिन ई की कैप्सूल हमारे ब्यूटी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन ई जो है हमारे स्किन को बहुत ही ग्लो कराता है, हमारे स्किन को साफ कराता है, हमारे स्किन से कलर को जो है ना, डलनेस को, डार्कनेस को कम करके आपके स्किन को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाता है। उसी प्रकार विटामिन ई की कैप्सूल अगर आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके बाल भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होते हैं, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। दोस्तों, मैं कंटिन्यू मतलब जब से मुझे पता चला है इसके फ़ायदे मैं इस्तेमाल करती हूँ, नॉर्मल तेल में नहीं लगाती, जब भी ऑयल करती हूँ इस तरीके से कुछ ना कुछ उसमें मिक्स करके ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल में मैंने डाला है अरंडी का तेल, उसके बाद एक विटामिन ई की कैप्सूल इसको इस तरह से डाल के और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो दोस्तों, अभी भी क्या है ना, तेल जमा हुआ है, तो जमा हुआ हो चाहे नहीं हो, हमेशा तेल को हल्का गुनगुना करके जब आप अपने बालों पे इसको मसाज दोगे ना तो आपके बालों की जो है ना बहुत ही अच्छे से अंदर जो स्कैल्प होती है ना बहुत ही अच्छा उसको पोषण मिलता है। और फिर ठंडी के मौसम में कहा जाता है कि नॉर्मल तेल जैसे कोकोनट ऑयल डायरेक्ट अपने बालों पे नहीं लगाना चाहिए, सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं इसको डबल बॉयलर मेथड से, यानी नीचे पानी गर्म है और इस पानी में इसको आपको रख करके थोड़ी देर छोड़ लेना है। कुछ ही देर छोड़ोगे ना दोस्तों, ये आप देख सकते हैं तेल भी हल्का गर्म हो जाता है, मतलब हल्का गुनगुना हो जाता है, और जो जमा हुआ तेल है ना वो भी थोड़ा मेल्ट हो जाता है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके बाल में बहुत ही अच्छे से लगेगा, अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आपको डबल बॉयलर मेथड की मदद से इसको अच्छे से हल्का सा गुनगुना कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करें, डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट हीट पे नहीं रखें,
नहीं तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा तेल का लगाने का आपको। इसे हल्का साइड को गुनगुना कर ले डबल बॉयलर मेथड से और फिर ये तेल आपके बालों में लगने के लिए तैयार है दोस्तों। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। जब भी आपको ऑयल करना हो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें डालना है अरंडी का तेल और विटामिन ई की कैप्सूल और उसको मिला करके आपको लगा लेना है। या फिर एक और तरीका हो सकता है, जैसे कि डब्बे जो कोकोनट ऑयल का जो पूरा डायरेक्ट बॉटल होता है ना उसमें भी आप अरंडी का तेल एक चम्मच या डेढ़ चम्मच मिला दें और उसमें दो तीन जो है विटामिन ई की कैप्सूल काट करके उसको निकाल के उसमें मिक्स करके रख ले। वैसे प्रोसेस भी सही है कि आपको बार बार मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अप्लाई करें आराम से उसको निकाल के अप्लाई कर सकते हैं और अगर नहीं तो इस तरीके से भी आप थोड़ा थोड़ा तेल निकाल के लगाएं। तो जैसा भी आपको मन हो वैसा करें। हल्का गुनगुना ये हो गया, इसको लगाने के लिए हम चलते हैं। अब दोस्तों बालों को लगाने में तेल लगाने के लिए बहुत सारे लोग क्या होता है उलझे उलझे बालों में ही तेल लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, पहले बालों के टैंगल्स हटा लें, बालों को सुलझा लें और उसके बाद ही आप अपने बालों में तेल लगाना शुरू करें, जिससे आपके बालों की जो है बहुत ही अच्छे से तेल लगेगी और उलझेंगे नहीं ज़्यादा ज़्यादा बाल। मैंने आपको देख सकते हैं मेरे पहले और अब के बाल में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि मैं मेरे बालों की देखभाल दोस्तों सच में बहुत अच्छे से करती हूँ। ऑयलिंग हमेशा करती रहती हूँ और बीच बीच में शैम्पू वगैरह DIY भी मैंने शेयर किया है, उस वाले तरीके से भी आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। नॉर्मल वाटर की जगह आप जो है चाय पत्ती वाला वाटर से भी पानी बालों को धो सकते हैं। शैम्पू में कुछ ना कुछ मिक्स करके आप लगाएँ और इस तरीके से ऑयलिंग करें। दोस्तों तेल कोशिश करें कि आप रात में सोने के पहले लगाएं। सोने के पहले लगाने से रात भर जब आपके बालों में तेल रहेगा ना तो बहुत ही अच्छा पोषण मिलेगा बालों को। और कोशिश करें 15-20 मिनट तक ज़रूर मसाज करें तेल लगाने के बाद, स्कैल्प को अच्छे से मसाज करें ताकि तेल बालों की जड़ों तक जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा पोषण मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से आप शैम्पू कर ले। शैम्पू के भी बहुत सारे DIYs मैंने बनाए हुए हैं, ज़रूर देखिएगा, सभी के सभी बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ही अच्छा और बढ़िया सा रिजल्ट देगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को